नमस्कार एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वियतनाम में एक्सपोर्ट की जाने वाली टॉप 20 प्रोडक्ट्स के बारे में, और वो भी वैल्यूएशंस के मुताबिक। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आए तब आपको नोटिफिकेशंस मिल पाए। इस वीडियो को हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाए। और इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो वियतनाम में टॉप 20 प्रोडक्ट्स, जो कि एक्सपोर्ट की जाने वाली वैल्यूएशन के मुताबिक टॉप 20 प्रोडक्ट्स है, उनमें से प्रोडक्ट नंबर 20 है, वो है इंसेक्टिसाइड्स पुट अप इन फॉर्म्स ऑफ पैकेजिंग फॉर रिटेल सेल्स और एज प्रिपरेशंस फॉर आर्टिकल्स। ये इंसेक्टिसाइड्स की बात हो रही है, और सारी प्रोडक्ट्स की जो वैल्यूएशन है 2021 की USD thousands में, वो यहाँ पे मेंशन है। सारी प्रोडक्ट्स का जो लिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। अगर आपको ज़्यादा रिसर्च करना हो गूगल में, तो आप नीचे लिस्ट में से कोई भी प्रोडक्ट पिक करके रिसर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 19 है ऑयल केक एंड अदर सॉलिड रेसिड्यूज वेदर और नॉट ग्राउंडेड इन द फॉर्म ऑफ पिलेट्स। ये प्रोडक्ट है, और स्पेसिफिकली ऐसी प्रोडक्ट्स अगर माइनर वेरिएशंस के साथ इस लिस्ट में दूसरी बार आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट कोड जो है वो सारी ऐसी प्रोडक्ट्स में हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। 230400 जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कोड है। तो जब भी आप रिसर्च करें तब आप इस प्रोडक्ट कोड का अगर ऐड कर देंगे तो आपको सही वैल्यू मिल जाएगी, सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 18 में सिंगल कॉटन यान ऑफ कॉम्ड फाइबर्स कंटेनिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 85% ऑफ कॉटन बाय वेट एंड विद अ लीनियर। ये एक कॉटन यान की प्रोडक्ट है और कंबाइंड कॉम्ड फाइबर की प्रोडक्ट है, कंटेनिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 85% ऑफ कॉटन। प्रोडक्ट नंबर 17 अगेन ऑयल केक एंड अदर सॉलिड रेसिड्यूज वेदर और नॉट ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ पिलेट्स। प्रोडक्ट कोड डिफरेंट है, 230690 इसका प्रोडक्ट कोड है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 16 की बात करें तो मल्टीप्लाई पेपर एंड पेपर बोट कोटेड ऑन वन और बोथ साइड्स विद कॉलिन। पेपर की प्रोडक्ट है, और अगर आप पेपर इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हैं तो आप इस प्रोडक्ट को सही से पहचान जाएंगे, और ये प्रोडक्ट भी एक सही प्रोडक्ट कह सकते हैं वियतनाम में एक्सपोर्ट करने के लिए। इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 16 है। प्रोडक्ट नंबर 15 है कोक एंड सेमी कोक ऑफ कोल। ये एक कोल की प्रोडक्ट है, और डेफिनेटली अगर आप इसका सोर्सिंग कर सकते हैं तो वियतनाम में इस प्रोडक्ट की भी ज़्यादा डिमांड है। प्रोडक्ट नंबर 14 फ्रोजन एडिबल बोविन ऑफिल। ये एक तरह का एक मीट है, और डेफिनेटली अगर आप मीट की इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट जो है वो कंसिडरेबल प्रोडक्ट कह सकते हैं वियतनाम में एक्सपोर्ट करने के लिए। प्रोडक्ट नंबर 13 है ग्राउंडनट्स शेल्ड वेदर और नॉट ब्रोकन। ये ग्राउंडनट्स की बात हो रही है, और हमारे इंडिया में ग्राउंडनट्स का प्रोडक्शन बहुत ही सही पैमाने में होता है। अगर आप सही से रिसर्च करेंगे और आप डायरेक्ट फार्मर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है वियतनाम में। प्रोडक्ट नंबर 12 इज़ ग्रेनाइट एंड आर्टिकल्स देयर ऑफ। हमारे गुजरात के मोरबी और राजस्थान और कई सारे साउदर्न सिटीज़ भी इस टाइप की प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग के अंदर इन्वॉल्व है। अगर आप इसका सोर्सिंग कर पाए तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो देख सकते हैं वियतनाम में, आप कंसिडर कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। प्रोडक्ट नंबर 11 है मेडिसिमेंस कंसिस्टिंग ऑफ मिक्स और अनमिक्स प्रोडक्ट्स ऑफ थेरापेटिक एंड प्रोफिलेक्टिक पर्पसेस। ये मेडिसिंस की प्रोडक्ट है मेडिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ, या तो फार्मा इंडस्ट्रीज़ के साथ अगर आप जुड़े हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपको मिस नहीं करना चाहिए। और वियतनाम इज़ दी कंसिडरेबल कंट्री, क्योंकि प्रोडक्ट नंबर 11 है इस लिस्ट की। प्रोडक्ट नंबर 10 ब्रोकन राइस। राइस भी बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है वो डिमांड में रहते हैं, और राइस एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है राइस एक्सपोर्ट करने के लिए। ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो ब्रोकन राइस है, और साउदर्न स्टेट्स से अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी और क्वान्टिटी में जो है वो इस टाइप के राइस की प्रोडक्ट जो है वो मिल सकती है। प्रोडक्ट नंबर 10। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 9 अगेन सेमी मिल्ड और होली मिल्ड राइस वेदर और नॉट पॉलिश्ड और ग्लेज्ड। ये भी एक राइस की प्रोडक्ट है, और इसके लिए भी आप साउदर्न स्टेट्स में देख सकते हैं, और वेस्टर्न स्टेट्स में भी शायद आपको जो है वो इसके लिए सोर्सिंग जो है वो मिल जाएगा, सही सोर्सिंग मिल सकता है।
इसके बाद प्रोडक्ट नंबर 8 है पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ऑफ ट्रैक्टर्स मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 10 और मोर पीपल, जो 10 से ज़्यादा लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैक्टर जैसी जो प्रोडक्ट्स रहती है, ऐसी प्रोडक्ट्स के जो पार्ट्स और एक्सेसरीज रहती है, ऐसे एक्सेसरीज और पार्ट्स की बात हो रही है। तो अगर आप इसके सोर्सिंग में जुड़े हैं और आप इसके लिए कुछ कोलैबोरेशन वगैरह करके मैन्युफैक्चरर्स के साथ कर सकते हैं, तो यस, वियतनाम में अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। प्रोडक्ट नंबर 7 इन द लिस्ट इज़ फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन एंड नॉन अलॉय स्टील ऑफ अ विड्थ ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 600 mm इन क्विल्स। प्रोडक्ट कोड इसका अगर देखें तो 720838 इसका प्रोडक्ट कोड है और आप इसके लिए ज़्यादा डिटेल्स में रिसर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 6 इन द लिस्ट इज एल्यूमिनियम नॉट एलॉयड अनव्रॉट। एल्यूमिनियम की बात हो रही है और एल्यूमिनियम की प्रोडक्ट के साथ अगर आप जुड़े हैं मैन्युफैक्चरिंग में या सोर्सिंग में, तो यस, ये इस लिस्ट का प्रोडक्ट नंबर 6 होना एक बहुत बड़ी बात है। प्रोडक्ट नंबर 5 अगेन एक सी फूड की प्रोडक्ट है और फ्रोजन श्रिम्स एंड प्राउन्स की बात हो रही है। अगर आप सी फूड इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप इसके लिए सोर्सिंग कर सकते हैं और वियतनाम में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। प्रोडक्ट नंबर 5 है इस लिस्ट का। प्रोडक्ट नंबर 4 है कॉटन, नाइदर कार्डेड नोर कोम्ड। ये कॉटन की बात हो रही है और कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग भी बड़े पैमाने में इंडिया में प्रोडक्शन जो है वो होता है और इसके लिए भी आपको बहुत सारे सोर्सेज जो है वो इंडिया में से मिल सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 3 इज़ मेज़। मेज़ भी एक सही प्रोडक्ट कह सकते हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ में मेज़ भी ज़्यादा डिमांड में रहती है। प्रोडक्ट नंबर 2 की बात करें तो ये फ्रोजन बोनलेस मीट ऑफ बोविन एनिमल्स की बात हो रही है और मीट इंडस्ट्रीज़ की ये दूसरी प्रोडक्ट है और वियतनाम में इसकी भी ज़्यादा डिमांड है। अब प्रोडक्ट नंबर 1 पे आने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि जब भी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए तब आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। और इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाए। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 1 है फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन एंड नॉन अलॉय स्टील ऑफ अ विड्थ ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 600 mm इन कॉइल्स। ये प्रोडक्ट कोड अगर हम देखें तो 720839 है और ये है इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 1। लाइम इंस्टीट्यूट में हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कम्प्लीटली इन डेप्थ मैनर से ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। अगर आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो अभी ही आपकी स्क्रीन पे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए लाइम इंस्टीट्यूट की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपके सामने वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।